टोयोटा हाइलक्स रेवो रॉको। टोयोटा रेवो जो है उसको 2017 में टोयोटा ने लॉन्च किया था। पहले उसमें 3 लीटर इंजन आता था, फिर 2019 के करीब जाके उसमें 2.8 इंजन आया। पिछले साल 2021 के जून में इसका पहला फेसलिफ्ट आया था, जिसके अंदर इसकी जो फ्रंट लिफ्ट है उसको थोड़ा चेंज किया गया था। और सून आफ्टर तकरीबन 3-4 महीने के बाद ही नवंबर 2021 में टोयोटा रॉको जो है उसकी मार्केट में एक आवाज़ आई कि जी वो आ गया है और रॉको लॉन्च हो गया है। तो ये है टोयोटा रॉको। इसके अंदर बेसिकली टोयोटा रेवो के अंदर अभी रॉको भी आ रहा है, टोयोटा रेवो नॉर्मल भी आ रहा है और उसके बहुत से वेरिएंट आते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसका आज हम आपको वॉक अराउंड दिखा रहे हैं। तो इस साल 2023 में आपको टोयोटा रेवो रॉको जो है वो इस फॉर्म में मिलेगा और इसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी 3-4 इटरेशन गुजार के आ चुका है। इसकी जो फ्रंट आपको ग्रिल नज़र आएगी बहुत प्रोनाउंस्ड है, इसकी DRLs, इसकी LED हेडलैम्प्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप साइड पर आएंगे तो इसके जो ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, 18 इंच में हैं। और इसके साथ आपको ये फेंडर फ्लेयर जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा पूरी गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी जगह पे ब्लैक जो है ना उसका कम्बिनेशन मिलेगा। किसी भी कलर की गाड़ी हो आपको साइड मिरर, फेंडर फ्लेयर, व्हील्स, लॉक हैंडल, ये तमाम रॉको के अंदर ब्लैक कलर में मिलेंगे। अगर आप पीछे की तरफ आएँ तो आपको ये स्पोर्ट बार मिलेगा, जो कि अगेन रॉको के अंदर खाली आता है, रेवो नॉर्मल में नहीं आएगा। रॉको की बैजिंग मिल जाएगी, पिछली लाइटें जो है वो भी चेंज हैं। इसी तरह पीछे जो डोर हैंडल है उसमें भी आपको काफ़ी ब्लैक मिलेगा। पिछला जो बम्पर है अगेन दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो रेवो की जो पूरी फिलॉसफी है, उसका जो बेयर बोन है, वो तमाम मॉडल्स के अंदर सेम है। इंटीरियर की तरफ अगर चलें तो इंटीरियर का कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले जो 2017 में आया था उसमें लाइट ग्रे था, 2021 में ये चेंज कर दिया गया था। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल कर दिया गया है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि पहले सिंगल जोन था डुअल जोन कर दिया गया है। इसका जो हेड यूनिट है ये चेंज कर दिया गया था, पहले बहुत छोटा आता था और उसकी विजिबिलिटी फर्क थी। MID बेहतर हो गया, उसमें स्पीडोमीटर डिजिटल आना शुरू हो गया, VFC स्टेयरिंग है, रियर जो है आपके पास AC वेंट्स आ गए, इको मोड आ गया। बाकी अगेन अगर बेयर बोन की मैं बात करूं, इसके जो अगर पूरा स्ट्रक्चर है तो रॉको का जो है वो रेवो और रॉको सेम ही आ रहा है, बट इसके अंदर बहुत सी मॉडर्नाइजेशन की गई है और मेरा ख्याल है टोयोटा ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की हुई है। 2023 में दिस इज़ व्हाट टोयोटा हैज़ टू ऑफर इन फॉर्म ऑफ हाइलक्स। अगर आप इस गाड़ी की प्राइस जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी में इसकी ऑन रोड प्राइस ले सकते हैं, जो कि आपको ये बता देगी कि विद टैक्स विद रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी आपको कितने की कॉस्ट करती है।